हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं क्वारंटाइन लाइफ पे। हम सबको पता है जो बीमारी अभी फैल रही है वो बहुत रैपिडली स्प्रेड हो रही है, और आज 325 पेशेंट्स हो गए महाराष्ट्र में। और होप सो ये सब रिकवर हो जाए जल्दी और लॉकडाउन भी बंद हो जाए और सबका जो डेली रूटीन है वो स्टार्ट हो जाए। ओके, सो आज मैं आपको मेरी क्वारंटाइन लाइफ के कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा और आप एंजॉय करोगे। सबसे पहली बात, मेरे लाइफ में जो इम्पोर्टेंस मैंने दी दे रखी है तो वो है ये। उसके बाद मैं सुबह उठ के लैपटॉप पे यूट्यूब वीडियोस देखता रहता हूँ और साथ में बोर्नविटा। फिर घर पे काम करने पड़ते, झाड़ू पोछा। मुझे पसंद है मेरे घर पे झाड़ू पोछा मारना, इसके लिए मैं झाड़ू पोछा करता हूँ और उसके बाद घर के बाहर देखते रहता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ वर्कआउट, और वर्कआउट ये जैसे कि आप देख रहे हैं प्रो लेवल हूँ मैं एकदम। You can see my body। और उसके बाद शावर लेना मत भूलिएगा, क्योंकि हाइजीनिक रहना हमेशा अच्छा रहता है। अभी हॉबी के लिए पियानो बजाता हूँ मैं, कुछ तो नया उसमें से सीखने को मिले इस उम्मीद से मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखते रहता हूँ और ट्राई करते रहता हूँ। और अपनी मेन बात मतलब एडिटिंग में अभी नई नई सीख रहा हूँ फिल्मोरा और प्रीमियर प्रो। फिल्मोरा पे मेरा हाथ अच्छी तरीके से बैठ गया है, प्रीमियर प्रो पे भी शायद जल्दी बैठ जाएगा। तो अभी आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो दिखाऊंगा जो मैंने एडिट किया था कल और जो शूट किया था लॉकडाउन से पहले मेरे भाई के साथ। सो लेट्स सी दैट सिनेमैटिक वीडियो। We'll be right back.
इस वीडियो में मुझे मीनिंगफुल कुछ भी नहीं लगा ज़्यादा, सिर्फ मुझे फिल्म मेकिंग के बारे में सीखना था। इसके लिए मैंने ये वीडियो शूट किया, कैमरा एंगल्स, उसके बाद एडिटिंग, डायरेक्शन या फिर स्क्रीन प्ले वगैरह जैसे भी रहेगा। ये एक्चुअली हमने ऑन द स्पॉट किया है, तो बस इसी के लिए मैंने ये वीडियो शूट किया और एडिट किया। एडिट करके देखा नए नए स्किल्स उसमें से सीखने को कैसे मिलेंगे, या फिर यूट्यूब पे देख के उसमें अप्लाई कैसे करेंगे, सब ये ट्राई किया मैंने। ज़्यादा ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स नहीं है, सिर्फ एक जूम इफ़ेक्ट जो आपने देखा रहेगा ये वो है। तो बस ये एक शॉर्ट वीडियो हमने बना दिया ऐसे ही, और जो हमारे पास इक्विपमेंट्स है उसी में से हमने बनाया। वी डिड नॉट यूज़ एनी प्रोफेशनल सेटअप्स टू शूट दिस वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक बनता है एक, और सब्सक्राइब भी। अभी बात करेंगे शाम में मैं क्या करता हूँ। तो शाम में इस प्यारी सी बच्ची के साथ, ये मेरी से इसके साथ मैं खेलता रहता हूँ। और कहते हैं ना, छोटे बच्चे एकदम भगवान का रूप होते हैं और लाइफ खिलौने भी रहते हैं जो हमेशा एंटरटेनमेंट देते रहते हैं अपने को। तो ये है, और उसके बाद फिर से यूट्यूब वीडियोस पे आता हूँ मैं सोने से पहले, और फिर सो जाता हूँ। एंड सेम थिंग इज रिपीटेड द नेक्स्ट डे। और एक बात, जो स्प्रेड है बीमारी का, तो उसे कंट्रोल में लाने के लिए हम खुद ज़िम्मेदार हैं। तो प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिए। और शॉपिंग, तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपके पास जनरल स्टोर्स वाले का नंबर है तो उसको होम डिलीवरी, अगर पॉसिबल है तो उसको होम डिलीवरी करने बोलिए, क्योंकि आप जाओगे और चांसेस है स्प्रेड होने का। क्योंकि हमारे यहाँ पे एरिया में और एक केस हुआ है जो में गया था और उसको कोरोना हो गया। अभी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने और 10 दिन जितने भी लोग आए थे उनके चेकअप के लिए शायद से टेस्ट करने के लिए बोला है। सो अपने जान की परवाह करो, दूसरों की जान की भी परवाह करो, और स्टॉप दिस, जल्दी से जल्दी ये बंद हो जाए, यही भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा। और जो भी पेशेंट्स है वो जल्दी से जल्दी रिकवर होके अपने घर चले जाए, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड देखते हैं अभी अगला वीडियो कब आता है। टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग, हम होंगे कामयाब।